स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे टॉप 30 करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे पार्ट के हम सेकंड लेकर आए हैं आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली इस प्रकार से करंट अफेयर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मिलते रहे तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम आपको डेली जानकारी देते रहे। तो पहला क्वेश्चन आज का, इसरो ने हाल ही में PSLV C44 का उपयोग करके दो उपग्रह कलाम सेट और माइक्रोसेट आर को लॉन्च किया है। कलाम सेट एक छात्र द्वारा विकसित उपग्रह है और माइक्रोसेट आर एक डैश द्वारा विकसित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमेजिंग सैटेलाइट द्वारा ये पहुंचाया गया, ठीक है। इसका जो था वो आपको आंसर बताना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो अमेजिंग सैटेलाइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर है वो है अमेजिंग सैटेलाइट। क्वेश्चन को आप नोट करिएगा, स्क्रीन शॉट लेने की आप कोशिश करना था कि आपके फोन पे भी ये सेव हो सके और आपको आगे काम आए। अगला क्वेश्चन है, कमल हसन की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है। आपको पता होगा जो स्टार है, साउथ स्टार है कमल हसन, उन्होंने एक पार्टी बनाई, उसका नाम है तो मक्कल निधि मयम, ये उनकी पार्टी है, ठीक है। इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है और इनका सिंबल क्या है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो गूगल पर आप सर्च करके पूरी इसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, ठीक है, मक्कल निधि मयम, ठीक है। ये कमल हसन की पॉलिटिकल जो पार्टी है इसका नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2018 के सभी तीन प्रमुख ICC पुरस्कार जीतने वाले इतिहास में पहला खिलाड़ी बनने का गौरव किसने हासिल किया। तो इसका जो राइट आंसर है विराट कोहली, ठीक है। इसका क्वेश्चन का आंसर है थर्ड, जो क्वेश्चन नंबर थ्री है इसका राइट आंसर है विराट कोहली। 2018 में ICC के T20 वन डे और टेस्ट सीरीज टेस्ट के जो थे ये पुरस्कार इनको दिए गए थे, ठीक है, तीनों फॉर्मेट के। अगला क्वेश्चन है, माल और सेवा कर अपील न्यायाधिकरण GST TAT की एक राष्ट्रीय पीठ के शहर में स्थापित की जाएगी। तो ये दिल्ली में की जाएगी, ठीक है। GST क्या है आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, कि सबसे पहले GST को लागू करने वाला देश कौन सा था, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप अपना जो आंसर है आप उसको पोस्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10 स्वायत्त परिषदों को अधिक शक्ति तथा और धन देने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो ये इसका आंसर है राइट आंसर है ये, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ साझेदारी कर लंबी दूरी किस तरह से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRSM विकसित की है, ठीक है। तो किस देश के साथ ये साझेदारी की है इस मिसाइल के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसराइल है, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। टाइम आपका हम कम लेंगे क्योंकि आपको टाइम की इस टाइम बहुत ज़रूरत है। सेंटर फॉर मिलिट्री एयर बर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन ने हाल ही में स्वदेशी उत्पादित जैव ईंधन को मंजूरी दी है। इस जैव ईंधन का उत्पादन किस पौधे के बीज से हुआ, तो ये जेट्रोफा, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जो है जेट्रोफा, ठीक है, इसका सही आंसर है। सेंटर फॉर मिलिट्री एयर बर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन ने हाल ही में स्वदेशी उत्पादित जैव ईंधन को मंजूरी दी है। इस जैव ईंधन का उत्पादन किस पौधे के बीच से हुआ है, तो स्ट्रोफा। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेने की आप पूरी कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो ये नोआमी ओसाका ने इसका ये आंसर, ये क्वेश्चन जो है कल भी हमने आपको बताया था इस चैनल की, जो हमने कल जो सीरीज शुरू की ये करंट अफेयर की, तो 30 क्वेश्चन हमने आपको कल दिए थे और 30 क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे पद्मश्री भूभूषण 2019 से सम्मानित किया गया है। तो 2019 पद्मश्री भूभूषण 2019 से सम्मानित नहीं किया गया, ठीक है, तो सुखदेव सिंह टिंडिसा इनको नहीं किया गया सम्मानित, ठीक है, राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझिएगा, पद्म विभूषण से क्वेश्चन है, किसे पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित नहीं किया गया, तो सुखदेव सिंह ढींढसा को सम्मानित नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स 2019 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है।
तो ये 80 ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, कॉम्पिटेटिव टैलेंट, टैलेंट क्या होता है आपको पता होगा, टैलेंट कॉम्पिटेटिव इंडेक्स GTCI 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 80वां स्थान ये प्राप्त हुआ है टैलेंट में ठीक है। टैलेंट और 80 भारत को 80वें नंबर पर ये टैलेंट का कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में स्थान प्राप्त हुआ है ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करते हुए भारत पर्व का चौथा संस्करण 26 जनवरी को एक ऐतिहासिक स्मारक की जगह पर शुरू हुआ है, तो कहाँ शुरू हुआ, क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, और इसका जो आंसर है वो है लाल किला ठीक है। इसमें ये शुरू किया गया, ये आपको पता होना चाहिए ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस नाम की भारत की पहली स्वदेशी अर्ध उच्च गति ट्रेन किस शहर से जोड़ेगी ठीक है, किस शहर को जोड़ेगी, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो है बनारसी और वाराणसी और दिल्ली को ठीक है, ये जोड़ेगी आपस में। ट्रेन कौन सी है वो देखिएगा, पहली स्वदेशी ट्रेन है, अर्ध उच्च गति ट्रेन किस शहर को जोड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत सॉरी किस टीम ने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है ठीक है। आइस हॉकी आपको पता होगा, बर्फ की ये हॉकी ठीक है, और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने ITBP ने जो आइस हॉकी की चैंपियनशिप थी ये जीती है ठीक है ITBP ने। अब आपको ये पता होना चाहिए ITBP की स्थापना कब हुई थी, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको कमेंट करिएगा, और आप जो आपका जो आपको लगता है इसका राइट आंसर है वो आप हमें बताइए। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना ICR ने किस विश्व संगठन के साथ साझेदारी शुरू की है, ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ठीक है, तो इसका ये किसके साथ इसने ये साझेदारी शुरू की है, क्वेश्चन को समझिएगा आप ठीक है। साझेदारी शुरू की है तो ये वर्ल्ड बैंक ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक जो है वो कहाँ पर है, Washington DC ठीक है। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय वो है Washington DC में। अब Washington DC कहाँ पर है, वो है सॉरी USA में ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और Washington DC आपको पता होगा, जो Washington DC है ये जो अमेरिका के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनके नाम पर ये Washington DC का नाम पड़ा था ठीक है। और वर्तमान में जो वर्ल्ड बैंक है इसका मुख्यालय ठीक है, हेडक्वार्टर है Washington DC में, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम दे, तो नर्तकी नटराजन ये इसका राइट आंसर है ठीक है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय ट्रांसजेंडर का नाम दे, तो ठीक है आपको ये बताना था, तो ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराज ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस एशियाई देश के साथ तंबाकू के पत्तों के निर्यात के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, तो क्वेश्चन है ये और आंसर है इसका चाइना ठीक है। चीन के साथ इसने एशियाई देश के साथ तंबाकू के पत्तों के निर्यात के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के मौके पर विभिन्न राज्यों और सरकारी विभागों ने झांकी ठीक है थीम के माध्यम से अपने अद्वितीय गुणों को दिखाया, हर साल भारत सरकार गणतंत्र दिवस के दो दिन बाद सर्वश्रेष्ठ झांकी की घोषणा करती है। 2019 में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत अद्वितीय झांकी की प्रदर्शनी देखी गई, किस मंत्रालय ने विभिन्न झांकी ने 26 जनवरी 2019 को झांकी को पुरस्कार जीता है ठीक है, तो ये जीता है किसान गांधी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ठीक है, ये आपको पता होना ठीक है। सबसे बेस्ट जो झांकी थी ये ठीक है, थीम थी इस बार 2019 26 जनवरी की वो थी कि किसान गांधी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। और अगला जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ओसाका ने क्या जीता है, तो वो आपको बताना है ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडोनेशिया मास्टर 2019 जीता है, तो ये साइना नेहवाल ठीक है, इंडोनेशिया से साइना नेहवाल को जोड़ दीजिएगा आप। 2019 में इन्होंने ये इंडोनेशिया मास्टर 2019 का खिताब जीता है ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राज्य महोत्सव घोषित किया है ठीक है, PPHF को राज्य महोत्सव घोषित किया, तो अरुणाचल प्रदेश ठीक है। सीमा पर हमेशा विवाद होते रहते हैं चाइना के साथ, और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी, तो राइट आंसर है तो ये पक्के भागा हॉर्नबिल
फेस्टिवल, ठीक है, PPHF को राज्य महोत्सव घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, सेना कर्मियों में किसे कीर्ति चक्र 2019 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका, तो ये सोबर विजय कुमार नुमानो प्रांतिन को, मेजर तुषार गोवा को ये कीर्ति चक्र 2019 से सम्मानित किया गया है। विजय कुमार और तुषार गोवा, इनको मरने के बाद के मरणोपरांत ये कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये जो हमने आपसे कल पूछा था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है, 25 जनवरी राइट आंसर है इसका। बहुत से लोगों ने जवाब दिए, तो भारत में हर साल इसे भारतीय राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इलेक्शन जो थे भारत में वो 25 जनवरी को हुए थे और इसी के कारण इसको मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम की एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया, तो कोची में ये रिफाइनरी परियोजना ये विस्तार परियोजना का उद्घाटन किया गया। अब कोची कहाँ ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, किस जगह बार भी जयपुर साहित्य उत्सव का शुभारंभ हुआ है, तो ये जयपुर में ही, नाम से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बारहवें जयपुर साहित्य उत्सव का शुभारंभ जयपुर में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, आज के दो क्वेश्चन हो गए, टोटल वो है 30। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, उससे पहले ये बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 24 जनवरी को और 25 जनवरी को मतदाता दिवस, ठीक है। किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है, तो ये वेनेजुएला ने इसको तोड़ने की घोषणा की है। तो अब अमेरिका के साथ इन्होंने अपने जो राजनयिक संबंध थे, ठीक है, पॉलिटिकल रिलेशन थे, इनको तोड़ने की घोषणा वेनेजुएला ने की है, ठीक है। और केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार नामक एक वर्षीय पुरस्कार की स्थापना की है, ठीक है, 2019 में इसकी स्थापना की है, ठीक है। 2019 के लिए किस संगठन या संस्था को ये पुरस्कार दिया गया, तो राष्ट्रीय आपदा प्राकृतिक प्रतिक्रिया बल को ये 2019 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। और आपको पता होगा भारत में जो सबसे ज़्यादा आपदाएं आई है, जो प्राकृतिक आपदाएं आई है 2018 में, ये वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेना कैटरपिलर के रूप में जाने जाने वाला एक प्रकार का इल्ली या कीड़ा किस देश में कृषि फसलों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा पैदा कर रहा है, तो सेना कैटरपिलर के रूप में जाना जाने वाला ये एक प्रकार का कीड़ा किस देश में, क्वेश्चन को समझिएगा आप पहले, ये कीड़ा है, ठीक है, जो फसल जो होती है जैसे गेहूँ मक्की की फसल होगी या जो भी है, तो इनको एक प्रकार के बड़े पैमाने पर खतरा है, ठीक है, तो ये श्रीलंका में है, ठीक है, और ये ऐसा कर रहा है कि उनसे फसलें बर्बाद हो सकती है। अगला क्वेश्चन था, किस धावक ने टाटा मुंबई मैराथन 2019 का पुरस्कार खिताब जीता है, तो ये कॉस्मास लगाट ने ये पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन को समझिए, टाटा मुंबई मैराथन 2019 पुरस्कार का खिताब जीता है कॉस्मास लगाट ने। अगला क्वेश्चन है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया, तो ये वाराणसी में आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र भी है, आपको पता होगा। अब इलेक्शन आने वाले हैं और उससे पहले आपके बड़े बड़े एग्ज़ाम जो जिनकी तैयारी आप कर रहे हैं वो एग्ज़ाम आएंगे, और इनसे अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप मुझे कमेंट में, आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद शाम को आप क्वेश्चन का अपने स्क्रीन शॉट कोई भी करंट अफेयर के आप दिखा देना मुझे, जिसमें आपको जो भी हम आपको क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, अगर इनसे आपको क्वेश्चन नहीं आते तो फिर हम भी क्वेश्चन सीरीज जो बंद कर देंगे, ठीक है, करंट अफेयर हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि इसमें ये जो भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं इनमें से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आप ये देख लीजिएगा। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था या सम्मेलन था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा सम्मेलन था या अधिवेशन कह सकते हैं, वो कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। कल का क्वेश्चन पूछा था हमने कि आतंकवाद को
पहला देश किसे कहा जाता है, ठीक है, आतंकी देश की संज्ञा हम किस देश को मानते हैं, ठीक है, या जनक किस देश को मानते हैं। उसका आंसर बहुत से लोगों ने कहा ईरान है, इराक है, पाकिस्तान है, कोई किसी को बता रहा था, परंतु जो उसका राइट आंसर है वो है फिलिस्तीन, ठीक है, तो उसको आतंकवाद का जनक माना जाता है, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन है आपको, आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, ठीक है। आज के लिए इतने, नमस्कार, बने रहेगा मेरे साथ इस चैनल पर, नमस्कार, धन्यवाद।